हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रमनप्रीत कौर। आई एम कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला। आज हम यहाँ पे सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सुसाइड एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। सुसाइड इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंग टू NRCB डाटा लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1,64,000 पीपल दे कमिटेड सुसाइड इन इंडिया। And according to WHO, for every death by suicide, there are 20 attempted suicides. So according to this, there were approximately 32 lakh attempted suicides last year in India, and there were 1,64,000 deaths by suicide in India. So the data is huge. अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि इसके reasons क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जो इसका कारण होता है मूड डिसऑर्डर्स। जो मूड डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनमें सुसाइड रिस्क बहुत हाई होता है। देन अल्कोहल यूज़ में, अगर अल्कोहल डिपेंडेंस है पर्सन को तो उसमें सुसाइड का रिस्क ज़्यादा होता है। देन साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, उनमें ऐसे पेशेंट में सुसाइड का रिस्क ज़्यादा होता है। देन अगर मैं बात करूं कि सडन कोई पेशेंट की लाइफ में ऐसी क्राइसिस आ जाए, जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए, या फिर जो है फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या फिर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाए, जैसे ब्रेकअप हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी सुसाइड का ख़तरा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। देन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमारे पास आ जाते हैं, इसमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं, या फिर जो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी के पेशेंट्स होते हैं, इनमें सुसाइड का ख़तरा ज़्यादा होता है। देन अगर पेशेंट जो है डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है सुसाइड का। एंड अकॉर्डिंग टू NRCB डाटा लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा जो सुसाइड पाए गए हैं वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से हुए हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं, अगर पर्सन्स हैं वो जेंडर माइनॉरिटी से हैं या फिर सेक्सुअल माइनॉरिटी से हैं तो उनमें भी सुसाइड का ख़तरा ज़्यादा होता है। जिन पेशेंट्स में कोई क्रॉनिक इलनेस होती है उनमें भी सुसाइड का ख़तरा ज़्यादा होता है, जैसे अगर किसी को कोई मेलिग्नेंसी है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक है, उसमें जो है सुसाइड का ख़तरा ज़्यादा होगा। एंड अगर पेशेंट ने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो उसमें ज़्यादा खतरा होता है सुसाइड का। एंड अगर फैमिली हिस्ट्री है सुसाइड की तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमारे पास ज़्यादा खतरा होता है कि वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें हमारे पास चैलेंजेस कहाँ आते हैं? हमारे इंडिया में मेंटल हेल्थ इलनेसेस एंड सुसाइड को लेके बहुत स्टिग्मा है, लोग इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। एंड अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, वो बाहर नहीं आते हैं, ट्रीटमेंट सीक नहीं करते हैं। एंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आने से पहले हमारे पास 309 IPC के अंडर अगर अटेम्प्टेड सुसाइड होता था तो उसमें पर्सन को 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट होती थी या फिर 1,000 रुपीज़ फ़ाइन होता था, या दोनों होते थे। सो इस डर से कि हमें पनिशमेंट होती थी, जो पर्सन्स होते थे जिनको सुसाइडल आइडिएशन आती थी या सिवियर डिप्रेशन होता था, जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया होता था, वो हेल्प के लिए नहीं आते थे। तो ऐसे में हमारे पास ऐसे लोगों की रिहैबिलिटेशन में बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अभी आफ्टर मेंटल हेल्थ एक्ट केयर 2017, सो थिंग्स हैव बीन चेंज्ड एंड सुसाइड इज़ डीक्रिमिनलाइज्ड अंडर 115 सेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। सो पीपल आर कमिंग आउट फॉर हेल्प। सो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं सुसाइड? सुसाइड प्रिवेंटेबल है। सो हमारे पास सबसे बड़ी मिथ है कि सुसाइड को हम रोक नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सुसाइड को रोका जा सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है या पर्सन आता है, आपसे बात करता है कि मेरे को सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को सुसाइडल आइडिएशन आ रही हैं, तो उससे बात करें। वो पेशेंट हेल्प के लिए क्राई आउट कर रहा है, उस ऐसे में आप उससे बात करो एंड उसको परसुएड करो कि वो हेल्प सीक करे, एंड उसको रेफ़र करो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ताकि वो ट्रीटमेंट अपना करवाए। एंड
आप और क्या कर सकते हैं, कभी भी डिस्क्रिमिनेट मत करो। जो हाई रिस्क हमारे पास पॉपुलेशन है सुसाइड के लिए, जहाँ जेंडर माइनॉरिटी के लोग होते हैं, सेक्सुअल माइनॉरिटी के लोग हैं, कभी भी डिस्क्रिमिनेट मत करो। एंड और आप क्या कर सकते हैं, कभी भी अपने बच्चों को कंपेयर मत करो, उनके ग्रेड्स, उनके अकेडमिक्स को लेके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके आप उनको कंपेयर मत करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अपने बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आपको, आप उसको बिलिटल कर रहे हो एज अ ह्यूमन बींग, राइट? तो ऐसा मत करो। एंड हमेशा अपने बच्चे को जो है प्रिपेयर करो, ताकि अगर उसकी लाइफ में चैलेंजेस कोई आते हैं, वो उसको फेस करे बोल्डली, उनको कोप अप कर पाए, उनको फेस करे। एंड आपके घर में अगर कोई एल्डरली हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो, उनको केयर प्रोवाइड करो। एंड हमेशा अपनी सोसाइटी में अच्छे रिलेशंस बनाओ। एटलीस्ट एक आपका ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जिससे आप कन्फाइन कर सको, जिससे आप कोई भी बात कर सको। हमेशा एक सोसाइटी में लिंक्स बना के रखो। एंड एक कम्युनिटी के लेवल पे हम सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एज अ कम्युनिटी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं रिगार्डिंग द मेंटल इलनेस एंड सुसाइड। एंड हम लोगों को इनक्रेज कर सकते हैं कि वो जाएं एंड हेल्प लें, ट्रीटमेंट लें, अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उनको कोई मेंटल इलनेस है, वो डॉक्टर के पास जाएं एंड ट्रीटमेंट ले। देन हम क्या कर सकते हैं, हम फार्मर पेस्टिसाइड बैंक क्रिएट कर सकते हैं हर विलेजेस में। ये क्या होता है कि एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने देखा कि एक विलेज में जो डेथ्स होती हैं फार्मर्स में सुसाइड के कारण, वो हमेशा शाम को या नाइट में होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेस्टिसाइड बैंक बनाई। उसमें वो क्या करते थे, जो भी फार्मर होते थे वो काम के बाद अपने पेस्टिसाइड वहाँ रख जाते थे एंड रात पर वो वहीं पे रहते थे। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने काम पे जाना होता था, तो वो पेस्टिसाइड वहाँ से लेके फिर काम पे जाते थे। तो ऐसे उन्होंने देखा 2-3 साल के बाद वहाँ पे सुसाइड बहुत कम हो गया, जो सुसाइड से डेथ्स होती थी। तो हम हर विलेज में पेस्टिसाइड बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। देन हम आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनको सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में अवेयर कर सकते हैं, ताकि वो हर विलेज में अवेयरनेस क्रिएट करें। हम स्कूल एंड कॉलेजेस में टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं रिगार्डिंग मेंटल इलनेसेस एंड सुसाइड के बारे में। देन हम लोग पीयर टू पीयर सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 138 करोड़ है एंड हर पर्सन के पास जाके हम हेल्प नहीं कर सकते। सो हम क्या कर सकते हैं, हम पीयर टू पीयर सपोर्ट ग्रुप्स बना सकते हैं। इसमें अगर कोई पर्सन है वो जेंडर माइनॉरिटी का है, वो सेम पर्सन को, सिमिलर पर्सन जो है उस ग्रुप का, उसको सपोर्ट कर सकता है। एंड अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर है, वो एक डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम को सपोर्ट कर सकता है एंड सुसाइड को प्रिवेंट कर सकता है। एंड देन हम नेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे वी नीड सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। देन हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड पेशेंट जिनमें मेंटल इलनेसेस हैं, जिनको सुसाइडल आइडिएशन आ रही हैं, उनको हम ट्रीट करेंगे। जो हमारे पास फार्मर्स हैं, उनको हम एक प्रॉपर इनकम सोर्स प्रोवाइड करेंगे। एंड जो हमारे पास डेली वेजेस हैं, लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम सुसाइड थे वो डेली वेजेस में थे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम उनको एक मिनिमम अमाउंट प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस ना रहे। देन और हम क्या कर सकते हैं, हम साइबर बुलिंग को प्रिवेंट करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस को हम स्टॉप करने के लिए कोशिश करेंगे। एंड हम सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं रिगार्डिंग द मेंटल इलनेसेस एंड सुसाइड। एंड ऑल्सो हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमारे पास जेंडर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या सेक्सुअल माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, एंड हमारे पास जो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उनको हम थ्रू सोशल मीडिया सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हमारा जो मीडिया है उसको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा,
ऐसा नहीं है कि हम सुसाइड को ग्लोरीफाई करें, क्योंकि इससे हमारे पास सुसाइड के रेट में इंक्रीज़ होगा. सो मीडिया शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड उनको मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, ना कि उनको सुसाइड को ग्लोरीफाई करना चाहिए. सो एट द एंड आई विल लाइक टू से सुसाइड इज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, एंड इसको एक अकेली पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, एक सोशल इशू भी है. सो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करें. अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको सुसाइडल आइडिएशन आ रही है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो. वेट मत करो, हमेशा एक्ट करो ताकि लेट ना हो. अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पेशेंट है तो आप उसको डॉक्टर के पास भेजो. अगर आपको कोई भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं खुद भी, या फिर आपको सुसाइडल आइडिएशन आ रही हैं, तो आप हमारे पास यहाँ पे मणिपाल हॉस्पिटल आ सकते हैं. आई एम डॉक्टर रमनप्रीत कौर एंड आई सिट हेयर मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 2 PM. सो यू कैन कम हेयर इफ़ यू नीड एनी हेल्प. थैंक यू.